subscribe and press the bell icon to never miss a video from News. हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूँ निहारिका शाहदे। और सीबीएसई क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का पेपर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर होता है। तो चलिए जानते हैं स्टूडेंट से कि उनका एग्ज़ाम कैसा गया है। इंपॉर्टेंट पेपर है तो कुछ चेंजेस हुए थे पैटर्न में? पैटर्न में हाँ, आई वुड से चेंजेस थे, जैसे कि 6 मार्क जनरली नेशनल इनकम का आता था, नेशनल इनकम का एक भी 6 मार्क नहीं आया इस बार। एंड मतलब एज सच कोई बड़ा चेंज नहीं था। और प्रैक्टिकल्स एज इन जो पहले दिए थे, प्रैक्टिकल्स में तो आई मीन मैंने कभी ऐसे पहले एक्सपीरियंस नहीं किया था, तो मेरे को पता नहीं प्रैक्टिकल में कोई चेंज था या नहीं था। तो कितने मार्क्स फेल कर रहे हो? वो मैं भी नहीं बताऊंगा। और पैटर्न सही थे या फिर आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं था? अच्छा, तो नेक्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो होंगे बोर्ड एग्जाम देने वाले इकोनॉमिक्स के या फिर आपके सब्जेक्ट के, तो इनको कुछ आप मैसेज देना चाहोगे, कैसे प्रिपेयर करें अपने एक्सपीरियंस से? आई वुड से कि अपना सिलेबस जल्दी खत्म कर लेना एंड उसके बाद सैम्पल पेपर्स बहुत सारे देना, तो उससे आपके मार्क्स बेटर हो सकते हैं। इट वॉज लेंथी एंड द लास्ट क्वेश्चन आई गेस वॉज आउट ऑफ सिलेबस, सो आई गेस वी विल गेट मार्क्स फॉर इट। पैटर्न में चेंजेस हुए, काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑब्जेक्टिव है, दे आर डिवाइडेड। मेरा सेट 3 था, द होल पेपर वॉज ईजी एक्सेप्ट द लास्ट क्वेश्चन, आई गेस इट वॉज आउट ऑफ सिलेबस। अभी आई डोंट नो अबाउट द लास्ट क्वेश्चन क्योंकि वो 6 मार्क्स का, तो आई विल से 94-95। बी रेगुलर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी रेगुलर। ईजी था। और कुछ पैटर्न में चेंजेस हुए थे पिछले साल के? पिछले साल का पैटर्न मुझे पता नहीं था, सो पैटर्न्स में कुछ चेंजेस हैं? हाँ, और ऑप्शंस वगैरह थे। या द मैक्रो पोर्शन वॉज वेरी वेरी लेंदी। ओके, ट्रिकी क्वेश्चंस? या द लास्ट वन एडीएस अप्रोच निकालना था उसमें। आपको कौन सा सेट था? सेट 2। वाज इट इजी फॉर 1 और 3? आई डोंट नो। और सीबीएसई का जो भी नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे, तो आपके एक्सपीरियंस आपके प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग आप क्या मैसेज देना चाहोगे? जस्ट प्रैक्टिस एवरीथिंग बिकॉज एनीथिंग कैन कम फ्रॉम द बुक। या दैट्स इट। सिलेबस से ही पेपर था पूरा। या एक लास्ट क्वेश्चन इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल का था बस। नहीं, सब कुछ एज पैटर्न था। यस, नहीं वर्क एज हार्ड यू कैन, दैट्स द ट्रिक, दैट्स इट। आई डोंट नो, इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन, दैट्स इट। 90-95। तो स्टूडेंट्स ने बताया उनका इकोनॉमिक्स का एग्जाम काफ़ी अच्छा गया है, पैटर्न्स थोड़े चेंजेस थे लाइक 6 मार्क्स क्वेश्चन में, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 95 प्लस उनके मार्क्स आएंगे, तो विवेश के उनके 95 प्लस मार्क्स आए। अभी के लिए बस इतना ही, हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें न्यूज़।